बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक यहूदी आलम के सवालातों जवाबात का ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहा, आज की वीडियो में बात करेंगे। सही मुस्लिम में है कि हज़रत सुबान कहते हैं कि एक दफ़ा एक यहूदी आलम खिदमत अक्दस में हाजिर हुआ और कहा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुमसे चंद सवालात करूँगा, तुम जवाब दो। उसने कहा, सुनो, ये बताओ कि क़यामत के दिन जिस वक्त आसमान और ज़मीन बदले जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, पुल के नीचे तारीकी में। दूसरा सवाल पूछा गया कि सबसे पहले जन्नत में जाने की किसको इजाज़त मिलेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन गरीबों को जो राहे हक में घर से बेघर हो रहे हैं। उसने कहा, अब मैं तुमसे वो बात पूछता हूँ जिसका जवाब रोए ज़मीन पर सिर्फ पैगंबर या उसके अलावा एक या दो आदमी ही दे सकते हैं। उसने कहा कि ये बताओ कि बच्चा कभी लड़की और कभी लड़का क्यों पैदा होता है? तो हज़रत मुहम्मद कायदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का नुतफ़ा सफ़ेद और औरत का जर्द होता है। जब दोनों मिलते हैं तो अगर मर्द का नुतफ़ा गालिब होता है तो वो अल्लाह के हुक्म से लड़का होता है, और जब औरत का नुतफ़ा गालिब होता है तो वो लड़की होती है। ये जवाबात सुनकर वो यहूदी आलम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया।